वेलकम डेयर स्टूडेंट आई एम रविंद्र कुमार जैसे टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है ओके तो टुडे आई विल डिस्कस अ टॉलरेंस डेजिग्नेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सो इन दिस लेक्चर विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओके हाउ टू डेजिग्नेशन अ टॉलरेंस इफ गिवेन द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इन माइक्रोमीटर ओके सपोज आपका अगर मान लिया जाए कि आपको एक इनर एक आउटर डायमीटर दिया हो सपोज एक इनर और आउटर डायमीटर दे रखा हो आउटर डायमीटर दे रखा हो ओके तो इस केस में हमें क्या निकालना हो टॉलरेंस निकालना हो देखो टॉलरेंस अगर निकालने के लिए तरीका है ठीक है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या ये? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ठीक है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों ये एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टॉलरेंस ग्रेड का निकालने के लिए माइक्रोमीटर की बात कर रहा हूँ माइक्रोमीटर की बात कर रहा हूँ तो ये फार्मूला ही दे देता दे है डायरेक्ट ठीक है जेई ए में जितने भी एग्जाम होते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू दे, तो दे रखा कि टॉलरेंस स्टैंडर्ड डेजिनेशन के लिए टॉलरेंस की वैल्यू माइक्रोमीटर में कितनी होगी तो आई इक्वल टू दे रखा होगा आपका जीरो पॉइंट फोर फाइव क्यूबिक रूट डी प्लस पॉइंट जीरो जीरो वन डी ठीक है किस में दिया है माइक्रो डी बेसिकली क्या है बेटा डी आपका जो होता है ये अंडर रूट डी वन क्या निकालते हैं हम लोग अंडर रूट डी वन इंटू डी टू क्या निकालते हैं हम लोग अंडर रूट डी वन इंटू डी टू ठीक है आपको सपोज मान लिया जाए डायमीटर दे रखा है ये टेपर डायमीटर दे रखा है ये डी वन दे रखा हो और डी टू दे रहा है, तो हमें एक मीन डायमीटर लेना पड़ता है क्या लेना पड़ता है एक मीन डायमीटर निकालना मीन डायमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग ठीक है डायमीटर आपको एम में दिया हुआ तो रूट डी वन इंटू डी टू निकालेंगे तो डी आ जाएगा जैसे डी आएगा डी आप कहाँ रखोगे डी आप यहाँ रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू आई की वैल्यू आ जाएगी ठीक है आई की वैल्यू आएगी किस में आएगी माइक्रोमीटर में आएगी ठीक है माइक्रोमीटर में आएगी अब आपसे क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया होगा आई टी डीजेसन दिया होगा ठीक है टॉलरेंस ग्रेड की वैल्यू दिया होगा टॉलरेंस ग्रेड की वैल्यू दिया होगा कि आपने कोई साफ्ट या होल डिजाइन कर रहे हो ठीक है आपने सब कोई सेफ्ट या होल्क डिजाइन कर रहे हो तो इस वैल्यू के अंतर्गत दिया होगा मान लिया जाए बोल दिया कि आई टी एट दिया होगा ठीक है तो आप क्या करोगे आई टी एट की वैल्यू की स्टैंडर्ड वैल्यू है ये क्या होता है बेसिकली ये यूनिवर्सल वैल्यू है इन्होंने क्या किया है ट्वेंटी फाइव आई लेना पड़ेगा आपको ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ही दिया होगा क्वेश्चन में ही दिया होगा ट्वेंटी फाइव आई लेना पड़ेगा आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे आई की वैल्यू यहाँ लगोगे तो आपका टॉलरेंस क्या हो जाएगा टॉलरेंस लिमिट आ जाएगा कितना टॉलरेंस आ रहा है उसमें तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे ओके okay. क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरा देखो इस कराने के मकसद ये था कि क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ये पूछ लिया जाता है ठीक है आई टॉलरेंस गेट की वैल्यू आपको पूछ लेता है अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोल दिया दिया था कि अगर कोई सर्फ डिजाइन हो रही है आई टी एट के ठीक है थ्रू ठीक है आई टी सेवन के थ्रू हो रही है उसके लिए टॉलरेंस गेट की वैल्यू क्या होगा तो ऑप्शन आप में आपको टेन आई सिक्सटी नाइट ट्वेंटी फाइव फोर्टी आई दिया होगा तो आप क्या करोगे सिक्सटी नाइट पर टिक करोगे ठीक है तो आपको ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा फाइव टू टेन तक वैल्यू आपको रटना पड़ेगा जिससे आप क्या करोगे कभी एग्जाम में आपसे कुछ पूछ दिया जाता है सपोज आपके शाप की डिज़ाइन हो रही है आई के थ्रू या आई के थ्रू तो इसके वैल्यू आपको चार ऑप्शन आप मिल देगा ट्वेंटी फाइव आई या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्वेश्चन बने हुए हैं और बने बनते रहे हैं ठीक है तो हाई होप आपको क्या होगा ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है कहना ये चाह रहा है ठीक है अगर मैं इसको बात करूं इसको सॉल्व करता हूं तो ये गेट और यस yes क्वेश्चन इस पर बनते हैं ठीक है गेट और यस yes के क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर बनते हैं तो आपसे अगर मैं ये और ए की बात करता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है टाइम कम होता है तो आपसे कोई सॉल्व नहीं कराएगा आपसे क्या बोलेगा वो ऐसे सिंपल ही आपसे पूछ दिया जाएगा कि टॉलरेंस की वैल्यू क्या है टॉलरेंस गेट की वैल्यू क्या है तो ये ऑप्शन आते हैं आपसे तो आपको क्या करना पड़ेगा ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जिससे क्या करोगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ओके अगर बात करते हैं बेटा, फंडामेंटल डेविएशन की किसकी बात करते हैं फंडामेंटल डेविएशन की फंडामेंटल डेविएशन की ठीक है देखो तो टॉलरेंस क्या होता है टॉलरेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो आपने अगर मान लिया आपने ठीक है अगर मान लिया आपने कोई साफ्ट या होल बना रहे हो ना अगर मैं बोलूँ सपोज आपने बनाया हंड्रेड एम mm का साफ्ट कंपनी ने बोला कि हमें हंड्रेड एम mm का साफ्ट चाहिए ठीक है कितना चाहिए हंड्रेड एम mm का साफ्ट चाहिए एक बेसिक साइज़ दे दिया कि हमें हंड्रेड एम mm का साफ्ट चाहिए पर आपने जब मशीन के थ्रू बनाया ठीक है और उसको एग्जैक्ट डायमेंशन मेजर कर रहे हो एग्जैक्ट डायमेंशन मेजर एक मेजर कर रहे हो तो क्या पता आपका हंड्रेड पॉइंट हंड्रेड पॉइंट जीरो ज़ीरो वन निकल गया ठीक है हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो वन निकल गया या तो आप कभी और मेजर करोगे तो आपसे कभी कभी क्या डायमेंट निकल जाएगा नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है नाइन आ गया इसका मतलब कि सर आपने बोला था हंड्रेड एम mm, तो हम कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना पाओगे तो आप एग्जेक्ट साइज़ का ही बना पाओगे ठीक है उसे बर्नियर स्केल या इससे स्कलर करोगे उसमें कुछ ना कुछ इधर आएंगे इधर आएंगे तो इसका मतलब आपका साफ्ट पॉइंट जीरो जीरो वन भी हो सकता है या पॉइंट नाइन भी हो है तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है ना ये लिमिट इसका मतलब आपका पॉइंट जीरो जीरो टू आपका पॉइंट जीरो ज़ीरो टू एम एम डिफरेंस आ गया दोनों का तो ये हो गई आपकी टॉलरेंस क्या हो गई टॉलरेंस इसलिए कोई भी साफ्ट या कोई भी मटेरियल डिजाइन की जाती है तो उसकी टॉलरेंस लिमिट दी जाती है ठीक है कि मान लो हम, तो हम हंड्रेड है तो वो अपने क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमने हंड्रेड दे रखा है तो आपने वो क्वेश्चन बोल दिया कि पॉइंट ठीक है और माइनस के बीच में आपका ये साफ डिज़ाइन होना चाहिए तो आप क्या करोगे इस टॉलरेंस की लिमिट में अगर वो दिया होगा तो इसका मतलब वो डिजाइन इसके लिए सेफ है तो बेसिकली हम कोई भी डिजाइन करते हैं तो हमारा कोई एक्यूरेट साइज़ नहीं होता है ठीक है अगर मैं बोलूँ अगर एक सपोज एक इसको एक सपोज ये मैंने बोल दूं ये ठीक है इसकी साइज बताओ ठीक है तो आप अगर साइज क्या करोगे थोड़ी सी से निकालोगे से तो यानी कि हल्का सा प्रेस व्रेस होगा मान लो तो कुछ ना कुछ माइनटर पॉइंट जीरो 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 जो वन का डिफरेंस आएगा ही तो वही कितना डिफरेंस आ रहा है आपने जितना बोला था अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस क्या बोलते हैं टॉलरेंस ओके तो ये सब मैंने लास्ट लास्ट में बता रखा था ठीक है सभी पैरामीटर्स क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है आपका अपर डेविएशन क्या होता है लोअर डेविएशन ठीक है क्या होता है बेसिक साइज़ क्या होता है जीरो लाइन क्या होता है डिफरेंट टाइप का आप देखोगे लिमिट फिट ट्रेंस कमरा लेक्चर खोल के तो उसमें आपको सब देखेंगे ठीक है उसके आगे के पोर्सन की बात कर रहे हैं इसके आगे के पोर्सन की बात कर रहे हैं तो अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल डिविएसन की अगर मैं पहले बता रखा था आपसे कि अगर वो होल होगा सपोज आपका होल होगा ठीक है अगर ये होल होगा और श्रैप्ट होगा इसके लिए डेजिग्नेशन कैसे करते थे होल के लिए कैपिटल लेटर क्या करते थे कैपिटल लेटर जैसे मान लो ए बी एच ऐसे कैपिटल लेटर करते थे बाकी सेप्ट के लिए क्या बोलते थे हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते थे ठीक है क्या करते थे सेप्ट के लिए स्मॉल लेटर यूज करते थे और होल के लिए कैपिटल लेटर ठीक है होल का मैंने एक बनाया था साइन कि आप कोई भी होल डिजाइन करते हो तो उसके लिए बेसिक साइज क्या करते हैं इस तरह से बनाते हो अगर मैं साफ्ट की हो तो मैं एक आपका करो बन जाता है ठीक है इस तरह से डिजाइनिंग साफ़्ट के लिए करते हो तो मैंने सभी डेजिनेशन बता रखा था आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल डिविएशन की ठीक है इसमें से सपोज़ आपको वेरियस टाइप के सॉफ़्ट मिले पड़े हैं वेरियस टाइप के होल और साफ़्ट है तो क्या इफेक्ट आता है देखते हैं मान लिया जाए मान लिया जाए मान लिया जाए सपोज़ सपोज़ एक जीरो लाइन ले लेते हैं एक जीरो लाइन लेते हैं ठीक है ज़ीरो लाइन ले, ले लेते हैं अब इस ज़ीरो लाइन के ऊपर सपोज़ मैं होल और शार्ट को डिजाइन कर रहे हैं अब तो बेटा ये देखो आपका क्या ये ठीक है होल की डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं तो एक ऐसा है मान लिया जाए ए है ठीक है ए मान लिया आगे बी है ऐसे ऐसे बढ़ता है बढ़ता है ये क्या हो गया आपका एच हो गया क्या हो गया एच हो गया इसी तरह इसी तरह आगे क्या करेगा ये मूव करता जाएगा ठीक है ओके okay, अब देखते हैं साफ्ट की भी डिजाइन करते हैं तो साफ्ट की अगर डिजाइन करता हूं मैं मान लिया जाए साफ्ट की डिजाइन कर रहा हूं ये सपोज मान लो साफ़्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या है इस्माल लेटर को करते हैं ना स्मॉल लेटर से तो मान लिया ए है ये बी है सी है ये डी है ठीक है और यहाँ पे आते आते क्या हो गया एच हो गया क्या हो गया एच हो गया तो आप एक पॉइंट पर डिसाइड करो कि अगर मैं साफ्ट की बात करता हूँ ए से लेके एच के बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी जी तक जी तक आप देख रहा हूँ मैं जी तक जितने भी जी आ रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं ए टू जी तक अगर साफ्ट की मैं डिज़ाइन कर रहा हूं इसका मतलब ये जीरो लाइन से ऊपर है ठीक है ये ये मान लो जी है इसके बाद ए से लेके जी तक आया ऊपर है लेकिन एच का आप देख रहे हो एच जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो जीरो लाइन को टच कर रहा है किसको कर रहा है आपको जीरो लाइन को टच कर रहा है इसी तरह सिमिलरली क्या है ए से लेके आपका ठीक है जी तक आपका साफ्ट भी है वो किसके लोअर है जीरो लाइन के और एच जो है आपका क्या कर रहा है आपको टच कर रहा है जीरो लाइन को टच कर रहा है ओके okay, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं होल की बात करता हूँ होल की बात करता हूँ तो होल का जो लोअर लिमिट है ठीक है लोअर लिमिट है लोअर लिमिट क्या कर रहा है जीरो लाइन को कांटेक्ट में है अपर लिमिट क्या है उससे ऊपर है अगर साफ्ट की बात करता हूं यह बेसिक साइज यहां से मेजर कर रहे हैं सपोज मैं बोलता हूं ये यहां से मेजर हो रहा है ठीक है इसका मतलब होल का लोअर लिमिट ठीक है टच कर रहा है जीरो लाइन से इसका मतलब साफ्ट का अपर लिमिट क्या रहा है किसे जीरो लाइन से इन दोनों में आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि आपको जीरो लाइन से कौन सा टच कर रहा है एच कर रहा है और ये एच कर रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल डेविएशन निकालना पड़ेगा तो इस केस में देखो इस क्वेश्चन में देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है लोअर लोअर फंडामेंटल डिविएसन ये हुआ और ये यहाँ से लेके लिमिट यहाँ तक निकालूँ ठीक है तो ये ज़्यादा हो रहा वैल्यू अपर हो जा रहा है तो फंडामेंटल डिविशन क्या था जो मिनिमम वैल्यू मिले जो मिनिमम वैल्यू मिले इन दोनों में से अपर और लोअर के बीच में जो मिनिमम वैल्यू मिले वही फ़ंडामेंटल डिविशन हो गया इसका मतलब मैं बोलूँ होल के लिए किसके लिए होल के लिए फंडामेंटल डिविएशन जो होगा आपका क्या हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगा ठीक है अरे यही तो फंडामेंटल डिविशन हो जाएगा इसका लोअर लिमिट जो आया है ठीक है फंडामेंटल डिविशन क्यों क्योंकि जो जीरो लाइन के नजदीक होता है वो फंडामेंटल डिविएशन होता है ठीक है इसका मतलब इसका लोअर लिमिट अगर मैं बोलूं साफ्ट के लिए साफ्ट के लिए क्या हो जाएगा अपर लिमिट इसका हो जाएगा फंडामेंटल डिविशन ठीक है साप्ट के लिए क्या हो जाएगा अपर लिमिट हो, हो जाएगा इसका फंडामेंटल डिविएशन तो हमें यह निकालना पड़ेगा कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है डिजाइनिंग के आप देगा साफ्ट ये बी सी डी आपसे डिजाइन करने का तो आपसे फंडामेंटल डिविशन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए अगर सी बोला है इसका मतलब सी बोला है कैपिटल सी बोला है इसका मतलब आपको जीरो लाइन से ऊपर रखनी पड़ेगी किस किसपे रखनी पड़ेगी जीरो लाइन से ऊपर रखनी पड़ेगी आपको बनाना पड़ेगा ठीक है एच बोला है आपको दिमाग में एच याद रखना है अच्छा एच तो आपका ये था जीरो लाइन था इसमें कॉन्साइट कर रहा था होल की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है कैपिटल लेटर होल को डिनोट कर रहा है और स्मॉल लेटर आपको सॉफ्ट को डिनोट कर रहा है तो होल का आप देखना पड़ेगा तो आप क्या करोगे ऐप अगर मोलू मैं बोलूँ आई है तो आपको नीचे आना पड़ेगा जे के एल एम एन ठीक है तो आपको एक सीरीज ये ऐसी याद रखनी पड़ेगी जहां पे एस पे कौन हो रहा है बाकी इस तरह से स्मॉल लेटर है बाकी इस तरह से अरे इस कैपिटल लेटर है ये स्मॉल लेटर है तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब देखो कुछ डेजिग्नेशन है कुछ डेजिग्नेशन है जैसे आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे फाई फाई अगर मैं बोलूँ एक आप एग्जाम्पल लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ फाइव फिफ्टी एच एच एट एफ सेवन ठीक है आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है क्वेश्चन ये देखा रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या पूछ सकता है सपोज फाइव आपको डायमीटर से डिनोट करते हैं क्या बोलते हैं फाइव में क्या से डिनोट करते हैं हम लोग डायमीटर से नोट करते हैं यानी फिफ्टी एम mm एम डायमीटर दे रखा है इसका ठीक है कितना दिया है फिफ्टी एम mm एम डायमीटर दे रखा है तो अगर ये बोली बोलता है हमारे देखो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं ये वैल्यू वैल्यू ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज क्या बोलते हैं हम लोग बेसिक साइज ओके अब आते हैं नेक्स्ट एच और एट पे ठीक है एच और एट पे आते हैं एच हो गया आपका फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया अभी बताया था नोटेशन फंडामेंटल डेविएशन ये किसके लिए एच कैपिटल एच किसके लिए हो गया होल किस तो आप कहोगे होल होल किसके लिए कैपिटल लेटर्स होता है ठीक है एट क्या है आपका एट क्या है आपका टॉलरेंस ग्रेड क्या है आपका टॉलरेंस ग्रेड इसका मतलब आई टी एट बता रहा है ये क्या बता रहा है आई टी एट आई टी एट क्या था ना कितना था सिक्सटी नाई ठीक है ए तो आई टी देखो ना ये वाला था ये सीरीज ये ट्वेंटी फाइव आई तो ये वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब आपको ये एफ स्मॉल एफ दे रखा है इस्मॉल एफ देखा है इसका मतलब किसके लिए हो गया ये हाँ तो ये हो जाएगा आपका ठीक है ये हो जाएगा फंडामेंटल डेविएशन ठीक है किसके लिए हो जाएगा सेफ्ट और ये किसके लिए बताएगा आईटी आई टी सेवन टॉलरेंस गेट ठीक है और ये जो वैल्यू हम लोग पूरा टोटल लेंगे उससे बोलते हैं हम लोग होल टॉलरेंस जोन होल टॉलरेंस जोन और ये क्या हो जाएगा सैफ्ट टॉलरेंस जोन देखो कैसे ये तो आपका बेसिक साइज हो गया ऐसे आपको सिर्फ एस की बात करूंगा तो किसको फंडामेंटल डिविजन डिनोट कर रहा है ठीक है एट इसके ग्रेड को अगर दोनों मिला दूं तो होल है और ये टॉलरेंस ग्रेड है तो होल टॉलरेंस को बता रहा है वो ठीक है ये क्या था Subt के लिए बता रहा था और ये टॉलरेंस ग्रेड यानी कि इसको दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा सेफ्ट टॉलरेंस ग्रेड ओके साफ्ट क्वेश्चन आया देखो करो इसको इसी बेस पर क्वेश्चन दे रखा है ट्वेंटी फाइव एच सेवन जी एट क्या देखा है ट्वेंटी फाइव एच सेवन जी एट तो एक टेबल वन दे रखा है और टेबल टू दे रखा है मैच करना है ठीक है तो ए बी, सी डी ये एच दे रखा है आई टी एट दे रखा है आई टी सेवन दे रखा है और जी दे रखा है और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ दे रखा है इसमें दिया सेप्ट टाइप होल टाइप होल टॉलरेंस टाइप एंड नेक्स्ट यस सेप्ट टॉलरेंस टाइप तो कौन सा क्या हो जाएगा देखो कैपिटल एच क्या डिनोट करेगा हमारा होल टाइप यानी ए का क्या हो जाएगा बी का क्या होगा चलो बी का मत देखो।, देखो जी का क्या हो जाएगा जी का आपका फर्स्ट हो गया अब देखो आई टी एट एट कहाँ दिख रहा है आपको साफ्ट में दिख रहा है कि होल में दिख रहा है तो आई एट आपका रहा है टॉलरेंस दिख रहा है आपका किस में हाँ तो ये आई टी एट कहाँ चला जा जाएगा कहाँ चला जा जाएगा फोर्थ यानी कि क्या हो गया ये फोर्थ तो बचा क्या आपका थर्ड ठीक है सेवन किसके लिए था आपका होल के लिए तो होल टॉलरेंस टाइप या होल टॉलरेंस जोन ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें एक डेजिनेशन पता होना चाहिए चीज़ों का ठीक है तो आपसे यही अगर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन आप दे देगा ठीक है आपसे पूछ देगा जो सेवन है आई टी सेवन याच सेवन एस सेवन आपको एस सेवन ही लिख देगा ये बताओ कौन सा होगा तो आप क्या लिखोगे होल टॉलरेंस जोन ठीक है तो चार ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से आपको पता करना पड़ेगा तो ऐसे क्वेश्चन घूम फिर के क्या होगा आपसे ये क्वेश्चन देख लो उसमें पचास क्वेश्चन बन सकते हैं क्या कहना चाह रहा है ये चीज़ें ओके okay, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिट गेज क्या होता है लिमिट एक होता है स्नैप गेज और एक होता है आपका प्लग गेज क्या होता है प्लग ठीक है स्नैप गेज को और बोलते हैं हम लोग रिंग गेज क्या बोलते हैं हम लोग रिंग गेज ठीक है या आप कभी कभी बोलते हैं गैप गैप गेज तो देखो स्नैप गेज क्या होता है स्नैप गेज बेसिकली क्या होता है एक रिंग टाइप का होता है कैसा होता है रिंग टाइप का होता है मान लिया जाए किनर डायमीटर रही है और एक आउटर डायमीटर रही है ठीक है मान लो ये और ये सॉलिड पार्ट रहेगा क्या रहेगा सॉलिड पार्ट रहेगा ये सॉलिड पार्ट है तो आप देख रहे हो अब क्या मिला आपका एक सर्कुलर होल मिला ठीक है ओके और एक प्लग गेज होता है आपका प्लग गेज बेसिकली क्या होता है आपका ठीक है इस तरह से क्या होगा प्लग गेज होगा तो बेसिकली क्या होता है इसका क्या होता है ठीक है इसका काम और इसका काम क्या होता है प्लग गेज का काम हो जाता है कि मान लिया जाए कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो ठीक है कोई हॉलो पार्ट हो सब्जेक्ट ठीक है हॉलो पार्ट हो या हालो सॉफ्ट की मान हो है ठीक है ऐसे बड़ा क्या एक लंबा सा सॉफ्ट है ये हलो सॉफ्ट है तो हम क्या करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं ठीक है इसके जो सर्कुलर ये है डायमीटर है इसको मेजर करते हैं अगर वो चला जाता है तो इसका डायमेंसन मेजर करते हैं अगर नहीं आता इसका डायमेंशन मेजर करते हैं तो बेसिकली क्या करता है हम लोग चेक करते हैं चेक क्या करते हैं इनर क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे इनर डायमीटर ऑफ द हलो हलो साफ्ट ठीक है क्या करेंगे इनर डायमीटर करेंगे अब देखो इसका क्या होता काम होता है अगर मान लें कोई सॉलिड साफ्ट है क्या है सॉलिड सॉफ्ट है ठीक है सॉलिड सॉफ्ट है कोई सिलेंडर का है अब इसको क्या करते हैं इसमें पहनाते हैं क्या बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं इसके थ्रू गुजारते हैं तो क्या होगा अगर ये चला गया ठीक है तो बोलेंगे क्या बोलेंगे गो है ठीक है अगर नहीं गया तो हम बोलेंगे नो गो है तो इनका मतलब काम लिमिट गया काम क्या होता है बेसिकली चेक करना होता है किसका डायमीटर का ठीक है तो आपसे क्वेश्चन दिया गया है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बताओ क्वेश्चन क्या होगा आंसर बताओ आप लोग अगर प्लग गेज आर यूज ठीक है प्लग गेज आर यूज ठीक है पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मेजर मेजर द डायमीटर ऑफ वर्कपीस, पीस द डाया ऑफ वर्कपीस ठीक है सेकेंड दे रखा आपका ठीक है मेजर मेजर द डाया ऑफ होल इन वर्कपीस ओके सी दिया आपका चेक द डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्कपीस फोर्थ दे रखा आपका चेक द लेंथ चेक द लेंथ ऑफ होल होल इन दर्क वर्कपीस हाँ जी yes. क्या हो जाएगा गेज क्या होता था आपका मेजर द डाया मेजर डाया क्या वर्क पीस मेजर द डाया होल इन वर्क पीस मेजर डाया चेक द डाया ऑफ द होल आपकी वर्क पीस एंड चेक द लेंथ ऑफ द होल इन द वर्क पीस हाँ? अच्छा क्या डाया मेजर करता है होल इन वर्क तो आपने देखा प्लग गेज क्या था आपका तो प्लग गेज ये है तो क्या मेजर करेगा होल मेजर करेगा मेजर होल करेगा ठीक है तो क्या मेजर डिवाइस है क्या या कोई रीडिंग बताता है क्या हमारा हैं हाँ? कोई रीडिंग बताता है क्या ये नहीं बताता है तो हम चेक करने के लिए यूज करते हैं किसके लिए करने होते हैं चेक करने के लिए यूज करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा थोड़ी है कि हम रीडिंग बताता है कि हम मेजर कर रहे हैं चीजों को लेकर तो बेसिकली क्या होता है हमारा तो ये एक चेकिंग डिवाइस है क्या है आपका ठीक है तो क्या हो जाएगा ये चेक द डाया ऑफ द होल इन द वर्क पीस ओके आपसे लिमिट के जो पूछा जाए तो आप मेजर ना बोलोगे क्या बोलोगे चेक बोलोगे देखो एक क्वेश्चन आपसे यहां से आते हैं साइन रूल से आते हैं साइन ओके ठीक है तो साइन बार में देखो क्या होता है साइन बार में बेसिकली अब मैं बोलूं ये आपका क्या हो गया दो डायमीटर के बीच का डिस्टेंस दो डायमीटर के बीच का डिस्टेंस ठीक है दो डायमीटर के बीच का डिस्टेंस और ये थीटा तो यच ये एल हो जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई एल तो थीटा इक्वल टू क्या निकालोगे आप साइन इनवर्स एच बाई एल ओके तो एल आपका क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रिकल व्हील सेंट्रिकल व्हील ओके यश इज द हाइट हाइट ऑफ हाइट ऑफ सेंट्रिकल व्हील ओके तो ये साइन बार का फॉर्मूला है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे आगे न्यूमेरिकल का दो देखेंगे ओके थैंक यू सो मच आपको लेक्चर कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू सो मच